हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, हम जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके अंतर्गत हम आपको सब्जेक्ट के क्या पार्ट होते हैं वो हम पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट के हिस्सा हिस्सा कौन कौन बनता है, कौन कौन होता है, उनके स्थान क्या होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या होती है एक वाक्य में, इन सब बातों को हम आपको सिखा रहे हैं। तो आज तो हमें सीखना है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते होंगे, एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन की संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे अगर हम वाक्य से कहें, आपको हिंदी वाक्य बताएं, तो सीता बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो जो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा शब्द आया है, यह क्या है? विशेषण है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, सीता इज ए वेरी नाइस गर्ल, कि जो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, सीता एक बहुत अच्छी लड़की है, उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सीता इज ए वेरी नाइस गर्ल। तो जो वेरी नाइस है, ये क्या है? नाइस जो मेनली आ रहा है, अच्छा बताने का ये वाला शब्द जो आ रहा है, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज ये कुछ शब्दों का समूह होता है, ये भी विशेषता बताता है, विशेषता बताने का काम ये भी करता है, लेकिन यह एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। ठीक है, सबसे दिखने में तो यही अंतर है। ठीक है, एडजेक्टिव एक शब्द रहेगा और जो एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा वह एक से अधिक शब्दों का समूह रहेगा। काम दोनों का एक ही है, विशेषता बताना। ठीक है, उसमें क्या अंतर है हम आज आपको इस वीडियो में, इस सेशन में आपको हम बताते हैं। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं अब तक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, उसको रिवाइज करते हैं तब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब तक जो आप पिछले 2-3 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हुए हम सीखेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो है मेन हिस्सा आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये मैंने लिया है पहला बॉक्स, ठीक है, ये आपका दूसरा बॉक्स है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है। ठीक है, तो हम पहले बॉक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, यही यही सब हम क्रम से हम पढ़े हैं। ठीक है, पहुंचना हमें पहले दूसरे तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स पर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमें आज क्या देखना है, डिटरमिनर हम देख चुके हैं, एडजेक्टिव देख ही चुके हैं, नाउन जो हेडवर्ड होता है वही नाउन होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज हमें पढ़ना है, वही पढ़ाने के लिए मैंने आपको यह पूरा डायग्राम बनाया है ताकि आपको शुरू से लेकर अब तक जो जानकारी है सब सामने रहे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और इसी तरह अपने आप नोटबुक में बनाइएगा। ठीक है, और अलग अलग उदाहरण लेकर के आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हम इसके इस चैप्टर के समापन के समय भी आपको उदाहरण जो है हल करवाएंगे। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा बॉक्स है उसमें है, देखिए क्या है, सोहन रीड्स, सोहन रीड्स, सोहन पढ़ता है। ठीक है, सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन पढ़ता है? अगर जो क्रिया है, ये जो प्रेडिकेट होता है ये मूलतः वर्ब होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देखिए, और उसके आगे कौन, क्या, किससे, ये शब्द लगाकर प्रश्न करने पर, ठीक है, हिंदी भाषा हिंदी ट्रांसलेट करके उसके आगे, इस प्रेडिकेट के आगे, क्रिया के आगे, जब आप कौन, क्या, किसने लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाता है, ये उद्देश्य मिल जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। ठीक है, तो सोहन रीड्स, सोहन रीड्स में आपका सोहन सब्जेक्ट हो गया और रीड्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। दे वेंट, वे चले गए। ठीक है, तो इसको इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, वेंट प्रेडिकेट है। ठीक, ये आपके क्या है, ये नाउन है, ये जो हिस्से हैं आपके सब्जेक्ट के नाउन है,
दे और ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, ये आपका जिरंड है, ठीक है, जिरंड है। और टू एरर, किसी मेन वर्ब के किसी संग जो क्रिया है उसके फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लग जाने पर वो इन्फिनिटिव हो जाता है, इन्फिनिटिव का रूप हो जाता है, ठीक है। और ये संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। किसी मेन वर्ब के आगे आईएनजी लग जाने पर वह जिरंड की भांति कार्य करने लगता है, और वह वर्ब ना रह करके वह संज्ञा कहलाता, और संज्ञा हो जाता है वह नाउन हो जाता है। उसी प्रकार से किसी मेन वर्ब के आगे टू लगा देने से वह इन्फिनिटिव हो जाता है, और वह वर्ब की तरह कार्य ना करके एक संज्ञा नाउन की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट का कार्य करने लग जाए, अगर नाउन है तो सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेन रूप से जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होते हैं, नाउन प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो किसी वर्ब के आगे आईएनजी लग जाने पर वह क्या है, जिरंड हो जाता है। और किसी वर्ब से पहले, ठीक है, किसी वर्ब मेन वर्ब उसके मेन रूप जो होता है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन रूप होता है, उसके आगे टू लग जाएगा पहले, ठीक है, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा और वह एक नाउन की भांति कार्य करेगा। और किसी वाक्य में जब उसका प्रयोग हो जाएगा तो वह सब्जेक्ट की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे क्या है, टू एरर इज ह्यूमन, गलती ये करना, गलती करना मानवीय है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट की भांति काम करने लगे हैं ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, बस दो बातें आपको पता चल रही हैं। अगले हम टेबल में चलते हैं, अगले टेबल में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो वही है हेडिंग, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट में आपके दो भाग हो गए, ठीक है। सब्जेक्ट में दो भागों के कौन कौन हो गया, क्वालिफायर और हेडवर्ड, ठीक है। अब हमें यही जानना है कि क्वालिफायर क्या है, हमें ये रिपीट करना है, पढ़ चुके हैं हम रिपीट करते हैं, क्वालिफायर क्या है, हेडवर्ड क्या है, ठीक है। प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट ही है, ठीक है, उसका कोई खंड नहीं हुआ है, कोई पार्टीशन उसका नहीं हुआ है। क्वालिफायर क्या है, क्वालिफायर वो हेड, देखिए जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है, मेन रूप से नाउन है। और ये जो क्वालिफायर क्या करता है, क्वालिफायर जो है क्वालिफाई करता है किसको, हेडवर्ड को, जो उसमें किसी वाक्य में हेडवर्ड रहता है उसको क्वालिफायर क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसको निश्चित करता है, ठीक है। जैसे वाक्य अगर आप देखते हैं, ए बॉय स्विम्स, एक लड़का तैरता है, ठीक है, एक लड़का तैरता है, तो बॉय क्या है, आपका हेड वर्ड है, मेन है, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट के दो हिस्से पढ़ रहे हैं, यहाँ से दो हिस्से पढ़ रहे हैं, तो ए बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट का एक हिस्सा हेड वर्ड हो गया, और सब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा क्या है, ये क्वालिफायर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है, ए क्या कर रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है कि एक लड़का है, वो निश्चित कर रहा है कि एक लड़का है, ठीक है। ये अपने एक अपने तरीके से क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ए बॉय स्विम्स, एक लड़का तैरता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेड वर्ड या मेन वर्ड आपका बॉय है, और ए क्या हो गया, क्वालिफायर है। दूसरे रूप में आप समझने के लिए, याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जब किसी वाक्य में हेड वर्ड के पहले कोई एक आर्टिकल आए, ठीक है, आर्टिकल आए, तो वो क्या है, वो क्वालिफायर होता है, ठीक है। आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या आपका एडजेक्टिव के अलावा क्या हो सकता है, वो पोसेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस वाक्य में है हिज, ये पोसेसिव संबंध सूचक है, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, एन, ये भी आर्टिकल है, एन एप्पल रूटेड, एक सेब सड़ गया, ठीक है, एक सेब सड़ गया। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसमें क्या है, हेडवर्ड हो गया एप्पल, क्वालिफायर आपका एन हो गया, और रूटेड ये हो गया आपका क्या, प्रेडिकेट, ठीक है, ये वर्ड वर्ब ही है, देखिए वर्ब, ठीक है, रूटेड ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, रूट की, रूट में सड़ना होता है, रूटेड सड़ गया, एक सेव सड़ गया। ये एन क्या है, एक एक सेव निश्चित कर रहा है, ठीक है। अगर कहते हैं कि सेव सड़ गया तो पता नहीं कितने सेव थे, अनिश्चित था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वालिफाइंग कर रहा है एप्पल को, इसलिए ये क्वालिफायर है, ठीक। आगे चलते हैं, दैट गर्ल केम, दैट गर्ल केम, वह लड़की आई, ठीक है, कॉलिफायर
कौन लड़की आई? वह लड़की आई। कौन आई? वह लड़की आई। ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इसके आगे कौन लगा के प्रश्न करें, इस वर्ब के आगे कौन आया, तो वह लड़की आई। ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन हेड वर्ड क्या है? गर्ल है। और ये क्वालिफायर क्या है? दैट है। ठीक, अब ये क्या है? ये प्रोनाउन है आपका, ये प्रोनाउन है। ठीक, ए एन आपका आर्टिकल था, दैट प्रोनाउन हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखिए, हिज डॉग बार्क्स, हिज उसका डॉग कुत्ता बार्क्स भौंकता है, उसका कुत्ता भौंकता है। अब डॉग क्या है? नाउन है। यह है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड कह लीजिए, हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है ये पोसेसिव प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। बार्क्स ये क्रिया है, ये प्रेडिकेट हो गया। आगे है, देखिए अगला वाक्य है, गुड स्टूडेंट्स अवार्डेड, अच्छे विद्यार्थी क्या है? अवार्डेड, पुरस्कृत होते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया? प्रोनाउन नाउन हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया स्टूडेंट, छात्र। और गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्वालिफायर, क्वालिफायर का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल था। ठीक है, ये आर्टिकल है। ठीक, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये क्या है? गुड एडजेक्टिव। ये क्वालिफाई कर रहे हैं किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये क्वालिफायर है। अवार्डेड क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने एक शुरू से लेके यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं तीसरे वाले टेबल में। तीसरे वाले टेबल में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अब देख रहे हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। ठीक है, क्वालिफायर हेडवर्ड, क्वालिफायर हेडवर्ड आपने यहाँ देखा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वालिफायर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वालिफायर के दो हिस्से हैं, एक डिटरमिनर है और एडजेक्टिव है। हेडवर्ड क्या है? नाउन है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि हेडवर्ड मूलतः क्या है? नाउन होता है। ठीक है, मूलतः ज़्यादातर नाउन ही होता है। ठीक है, देखिए अब क्वालिफायर क्या है आपके? दो हिस्से हो गए, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। ठीक है, हेडवर्ड क्या है? आपका नाउन है। प्रेडिकेट में मेन रूप से वर्ब ही आती है। ठीक है, अब वाक्य देखते हैं क्या है। ए लिटिल बॉय रैन, ए लिटिल बॉय रैन, एक छोटा लड़का दौड़ा, एक छोटा लड़का दौड़ा। इसमें देखिए क्या है, मेन आपका हेडवर्ड क्या है आपका? बॉय, बॉय हेडवर्ड हो गया। ठीक है, जो कि नाउन है। ठीक, अभी जैसे बॉय यहाँ है, बॉय यहाँ भी आया था। ठीक है, लेकिन उसके आगे एक वर्ड था, आर्टिकल था एक। ठीक है, वर्ड के रूप में क्या था? एक आर्टिकल था। लेकिन यहाँ क्या है? आर्टिकल भी है और लिटिल छोटा विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है, वह लड़का छोटा है। ठीक है, अभी रैन को रहने देते हैं, वर्ब है वो, प्रेडिकेट आप जान ही रहे हैं। तो इसमें विशेषता बताने वाले दो शब्द हो गए। ठीक है, तो जो बॉय के पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, वो क्वालिफायर हो गया आपका। ठीक है, ये क्वालिफायर का काम करने लगा। अब आर्टिकल क्या हो गया आपका? ये डिटरमिनर हो गया। एडजेक्टिव तो विशेषता बता ही रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्वालिफायर का काम एडजेक्टिव करने लगा। ठीक है, अब ये क्या होंगे? ये आपके ये डिटरमिनर हो गए। नियम क्या कहता है? नियम याद रखने के लिए क्या, नियम याद रखने के लिए क्या है कि जब किसी हेडवर्ड के आगे, जब किसी हेडवर्ड के आगे कोई एडजेक्टिव आ जाता है या हेडवर्ड के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तो वह क्वालिफायर का कार्य करने लगता है। जब किसी हेडवर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव आने पर वह क्वालिफायर का काम करने लगता है, तथा उस एडजेक्टिव के पूर्व जब कोई आर्टिकल हो, ठीक है, कोई आर्टिकल हो, तो वह आर्टिकल डिटरमिनर का काम करता है, वह डिटरमिनर का कार्य करने लगता है, डिटरमिनर कहलाने लगता है। ठीक है, यह है नियम। ठीक है, जब किसी हेडवर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो क्वालिफायर का काम वह एडजेक्टिव करने लगता है, तथा उस एडजेक्टिव के पहले आने वाला आर्टिकल ए एन द, ठीक है,
आने वाला शब्द, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो आने वाला वर्ड क्या है, वो डिटरमिनर का काम करने लगता है। तो इस प्रकार हेड वर्ड आपका बॉय है, एडजेक्टिव क्वालिफायर क्या है, लिटिल है, और ए क्या हो गया आपका, ये डिटरमिनर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हिज यंगर ब्रदर डांस्ड, उसका छोटा भाई नाचा, उसके छोटे भाई ने नृत्य किया, या उसका छोटा भाई नाचा, साधारण बोल भाषा में, ठीक है, उसका छोटा भाई नाचा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर, ब्रदर आपका ये हेडवर्ड हो गया, ठीक है, और आपका यंगर छोटा, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, सुंदर बदसूरत, ये क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसे आप पहचानेंगे, ठीक है, जिसे किसी की विशेषता, गुण, महानता का, ठीक है, पता चले, ठीक है, वो एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। ब्रदर क्या है, छोटा ब्रदर, यंगर ब्रदर, तो ये क्वालिफायर का काम करने लगे, ठीक है। और यंगर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पूर्व आया हिज, अब ये वर्ड आपका डिटरमिनर का काम करे, उसका छोटा भाई, विशेषता ये भी बता रहा है, लेकिन अब विशेषता बताने वाला पहले से खुद टपक पड़ा, ठीक है। तो अब इनका स्थान थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक है। अब जब जो विशेषता बताने के लिए पैदा हुआ है एडजेक्टिव, ठीक है, वो ही आ गया, तो इनका स्थान थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है विशेषता बताने का ही कार्य करता है, तो वो आ गया, तो वो हेड वर्ड की को क्वालिफाई करने लगा, उसका क्वालिफायर बन गया, और इनके पहले आने वाला ये वर्ड क्या है, डिटरमिनर का काम करने लगा, डांस नाचा, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रदर हेड वर्ड और एडजेक्टिव यंगर हो गया, और डिटरमिनर, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफायर हो गया, और हिज क्या हो गया, डिटरमिनर का काम करने लगा, ठीक है। फिर आगे अगला उदाहरण है, सम प्रेटी गर्ल्स केम, कुछ सुंदर लड़कियां आई, सम मीन्स कुछ, प्रेटी सुंदर, गर्ल्स लड़कियां, केम आई, कुछ सुंदर लड़कियां आई। यहां पे देखिए गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स आपका हेड वर्ड हो गया, ठीक, गर्ल्स हेड वर्ड हो गया, प्रेटी सुंदर, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप जानते भी होंगे कि सुंदर, किसी की सुंदरता, गुण, महानता, कमी, ठीक है, छोटा बड़ा, ये सब बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, और वो क्या करते हैं, मुख्यतः नाउन की विशेषता बताते हैं, उनका काम क्या होता है, नाउन की विशेषता बताना होता है। तो ये गर्ल्स लड़कियां, ये आपका नाउन है, हेडवर्ड है, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़कियां सुंदर थी, ठीक, तो सुंदर लड़कियां, ये यहाँ पे क्वालिफायर हो गया। फिर जैसा कि नियम मैं फिर से आपको दोहराऊंगा कि जब किसी हेड वर्ड के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो वही एडजेक्टिव क्वालिफायर का कार्य करने लगता है, ठीक, और क्वालिफायर से पूर्व वाला शब्द डिटरमिनर हो जाता है, ठीक है, ये डिटरमिनर हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हेड वर्ड के पूर्व यदि दो शब्द आते हैं तो उसमें से जो एडजेक्टिव होगा वो क्वालिफायर हो जाएगा, तथा क्वालिफायर से पूर्व, एडजेक्टिव से पूर्व आने वाला शब्द डिटरमिनर कहलाने लगेगा, ठीक है, डिटरमिनर का कार्य करने लगेगा, ठीक। आगे अब हम चौथे टेबल में, अपने चौथे टेबल में चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट, इसमें आपने देखा सब्जेक्ट तीसरे वाले टेबल में, सब्जेक्ट क्वालिफायर हेडवर्ड में बटा, क्वालिफायर के दो हिस्से आपने देख लिए कि डिटरमिनर हो गया और एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और हेडवर्ड नाउन हो गया। अब इसमें एक और जुड़ जाता है, सब्जेक्ट में आपका एक भाग और जुड़ जाता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, ये तो आप सेम सेम देख रहे हैं, एक हिस्सा जुड़ जा रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज का, एक हिस्सा एडजेक्टिवल फ्रेज का, प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट ही रहेंगे, इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होगा, ठीक है। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज और प्रेडिकेट, आपके ये जो चार हिस्से दिख रहे हैं, ये बॉक्स, चारों बॉक्स में आपका, पहले बॉक्स में डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, उसके आगे नाउन, यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सभी क्या हैं, ये सब्जेक्ट के हिस्से हैं, ठीक, प्रेडिकेट यहाँ पर है। तो आइए हम देखते हैं, अब जैसे जैसे आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में दो शब्द थे तो कोई समस्या नहीं थी,
वो नाउन है, सब्जेक्ट है, काम खत्म। और यहाँ पे देख रहे हैं दो शब्द आ गए, ठीक है, सब्जेक्ट, अब दो भाष्य हो गए, सब्जेक्ट के क्वालिफायर एक हेडवर्ड, ठीक है, एक हेडवर्ड था और एक उसकी विशेषता उसको क्वालिफाई करने वाला। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए आपके कितने हो गए, एक दो तीन, तीन पार्ट हो गए, तो उसमें एक हेडवर्ड का स्थान वो तो बना ही रहेगा, उसके बाद क्वालिफायर लिटिल हो गया एडजेक्टिव, उसके बाद डिटर्मिनर का काम आर्टिकल करने लगे। अब आइए हम देखते हैं इस हिस्से को जिसमें सब्जेक्ट के चार भाग हैं। देखिए, माई एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर, माई एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई, एल्डर मीन्स बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई, इन आगरा, आगरा में इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई जो आगरा में है एक डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई आगरा में एक डॉक्टर है। यहाँ पे इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर होने का ज्ञान दे रहे हैं, जानकारी दे रहा है, भाव दे रहा है, ये इसलिए प्रेडिकेट है। और आपका हेडवर्ड क्या है, नाउन आपका ब्रदर, भाई, वही चीज़ें हैं, बस विस्तार थोड़ा हो गया, नाउन ब्रदर, ये हेडवर्ड हो गया, ये आपका क्या है, ये हेडवर्ड है, ये हेडवर्ड है, नाउन हेडवर्ड। एडजेक्टिव क्या हो गए आपके, एल्डर हो गए, उसके पहले माई, मेरा, ठीक है, ये डिटर्मिनर का काम करने लगे, ये आपका हेडवर्ड हो गया। हेडवर्ड की विशेषता एडजेक्टिव एल्डर बता रहे हैं, दो शब्द आए हुए हैं, तो जो एडजेक्टिव हैं वो आपके क्वालिफायर हो गए, और माई, मेरे, जो एडजेक्टिव के आग पहले लगे हुए हैं, ठीक है, पहले से वो डिटर्मिनर का काम करने लगेंगे। ये नियम यही है कि जब किसी हेडवर्ड के पहले दो शब्द आते हैं तो उसमें से एडजेक्टिव वाला वर्ड, जो एडजेक्टिव होता है, वो क्वालिफायर का कार्य करने लगता है, और क्वालिफायर से पहले का शब्द डिटर्मिनर का काम करने लगता है, ठीक है। और ये इज ए डॉक्टर एक डॉक्टर है, इन आगरा, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इन आगरा, आगरा में, यही एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है, लेकिन ये भी जो है, जैसे एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, ऐसे ये भी विशेषता बता रहा है कि मेरा बड़ा भाई आगरा में रहता है, लेकिन वह एक शब्द नहीं है, वह शब्दों का समूह है, इसमें एक से अधिक शब्द हैं, दो शब्द जैसा आप देख रहे हैं, तो ये एक शब्द ना होकर के एक से अधिक शब्द हो सकता है, ठीक है, विशेषता वो भी बताएगा, ठीक। और पहला तो ये हो गया कि एक से अधिक शब्द रहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज में, एक से अधिक शब्द रहेंगे, और दूसरी मुख्य बात है, पहली मुख्य बात ये हो गई कि वह विशेषता भी बताएगा और एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताएगा, ठीक है, नाम भी मिलता जुलता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। पहली बात तो यह है कि वो एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताएगा और एक से अधिक शब्द होगा, ठीक है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि यह हेडवर्ड के बाद आएगा, ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है वह किसी भी नाउन के, किसी भी हेडवर्ड के पहले आता है, जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, वह किसी हेडवर्ड के, नाउन के पहले आता है, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वह हेडवर्ड के बाद आता है, विशेषता वो भी बताएगा और विशेषता एडजेक्टिव भी बताएगा, लेकिन दोनों का स्थान भिन्न भिन्न रहेगा, एडजेक्टिव हेडवर्ड के पहले आएगा और एडजेक्टिवल फ्रेज आपका हेडवर्ड के बाद आएगा, ठीक है। ये आप स्पष्ट रहें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहें आप, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं, कि किसी वाक्य में जो एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा, पहली बात, नंबर एक पॉइंट आप नोट करिए कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा वह एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक है, और वह एडजेक्टिव की तरह हेडवर्ड की विशेषता बताएगा। दूसरा पॉइंट यह है एडजेक्टिव के लिए कि वह हेडवर्ड के बाद प्रयुक्त होगा, बाद में लगा होगा, बाद में आएगा, ठीक है, जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, वह हेडवर्ड के या किसी नाउन के पहले लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप हेडवर्ड ब्रदर होगा, एल्डर क्या है, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है,
और डिटर्मिनर माई हो गया, इज ए डॉक्टर डॉक्टर है, यह प्रेडिकेट हो गया। यह मेरा आगरा में जो मेरा बड़ा भाई है वह डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है, अगर आप इस प्रेडिकेट के आगे कौन लगा करके प्रश्न करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए कौन लगाएंगे आप कि कौन डॉक्टर है, तो आगरा में मेरा बड़ा भाई, आगरा में मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है, आगरा में मेरा बड़ा भाई, पूरा सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है, ठीक है, पूरा। अगर आप ऐसे कहेंगे कौन डॉक्टर, अगर आप उत्तर दे रहे हैं मेरा बड़ा भाई, तो पूरा नहीं आएगा, पूरा आपका सब्जेक्ट क्लियर पूरा नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आगरा में छूट जा रहा है, ठीक है। इसलिए जब प्रश्न करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि कौन डॉक्टर है, तो आगरा में मेरा बड़ा भाई, ठीक है, पूरा आएगा। ऐसे अब अगला वाक्य देखते हैं, ए ब्लैक क्रो सीटिंग ऑन ए वॉल फ्लू अवे, ए ब्लैक क्रो सीटिंग ऑन ए वॉल फ्लू अवे, ए एक ब्लैक काला क्रो कौवा सीटिंग ऑन ए वॉल दीवार पर बैठा हुआ फ्लू अवे उड़ गया। एक दीवार पर एक काला कौवा या दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा, ठीक है, काला कौवा क्या हुआ, फ्लू अवे उड़ गया, दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा उड़ गया, फ्लू अवे उड़ गया, कौन उड़ गया, दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा, ठीक है। तो क्रो क्या हो गया आपका, हेडवर्ड हो गया, और ब्लैक काला, काला पीला नीला सफ़ेद छोटा बड़ा का, ठीक है, काना बहरा लंगड़ा लूला, ये सब क्या है आपके एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ब्लैक क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है क्वालिफायर हो गया इस हेडवर्ड के लिए, इस क्रो के लिए क्या हो गया आपका, ये क्वालिफायर का काम करने लगा, और इसके पहले जो आर्टिकल ए आया है वह डिटरमिनर का काम करने लगा। सीटिंग ऑन ए वॉल, देखिए एक दो तीन चार वर्ड हो गए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, बताया हूँ मैं कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा वह उसका पहला पॉइंट यही है कि वह एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताएगा और एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। सीटिंग ऑन ए वॉल, दीवार पर बैठा हुआ, वह कौवा क्या है, दीवार पर बैठा, उसी कौवे की बात हो रही जो दीवार पर बैठा था, ठीक है, और किसी कौवे की बात नहीं हो रही है, वो भी विशेषता इसी कौवे की ही बता रहा है, ठीक है। और कौवा कैसा था, काला था, दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा फ्लू अवे उड़ गया, कौन उड़ गया, दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा, पूरा सब्जेक्ट आपका मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण है, दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम्ड, दोज मीन्स वे प्रेटी सुंदर, फ्लावर्स फूल, इन द गार्डन बगीचे में, ब्लूम्ड खिल गए, बगीचे क्या है, बगीचे में सुंदर फूल खिल गए, बगीचे में सुंदर फूल खिल गए, कौन खिल गया या कौन खिल गए, बगीचे में सुंदर फूल, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर क्या है आपका, हेडवर्ड है, ये आपका हेडवर्ड है, और इन द गार्डन बगीचे में, जो बगीचे में है उसी फूल की बात हो रही है, रोड के किनारे है या कि जंगल में है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, बगीचे में है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज इन द गार्डन बता रहा है, और प्रेटी भी विशेषता बता रहा है जो कि फ्लावर से, हेडवर्ड से, नाउन से पहले आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। देखिए एक दूसरे को रिलेट करिए, ठीक है, कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आकर के उसी नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यह जो आपका प्रेटी वर्ड है यह फ्लावर्स की विशेषता बता रहा है, उसका क्वालिफायर हो गया, और उससे पहले लगा हुआ दोज वर्ड, ठीक है, यह आपका प्रोनाउन है, यह आपका डिटरमिनर हो गया। हेडवर्ड आप फ्लावर्स मान ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, इन द गार्डन ये एक से अधिक शब्द भी है, और में हेडवर्ड के मेन वर्ड के बाद लगे हुए हैं, और उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, एक से अधिक शब्द हैं, ठीक है, और उसके बाद आए हुए हैं, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज होने की क्या शर्तें हैं, कि वह हेडवर्ड के या नाउन के बाद आए, और एक से अधिक शब्द हों, और वह उस हेडवर्ड की विशेषता बताएं, ठीक है।
तो वह इसीलिए क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। और ब्लूम्ड खिल गए क्रिया है, वह क्या है, खिलने का कार्य हो रहा, वह प्रेडिकेट है। एडजेक्टिव के लिए क्या विशेषता है कि प्रेटी, सुंदर। एडजेक्टिव के लिए विशेषता है कि वह नाउन के हेडवर्ड के पहले आएगा, आता है हमेशा, ठीक है। और एडजेक्टिवल फ्रेज की क्या विशेषता है कि वह नाउन या हेडवर्ड के बाद आएगा, और एक से अधिक शब्द होंगे उसमें एडजेक्टिवल फ्रेज में, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वह क्या होगा, अकेले होगा, सिंगल होगा, ठीक है। तो आपने सीखा, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के क्या हिस्से होते हैं, डिटरमिनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट के ये आपने हिस्से देखे, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट में जीरंड का कैसे प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा है यहाँ पर जीरंड वॉकिंग, किसी मुख्य वर्ड वर्ब के, मेन वर्ब के, जो वर्ब का मुख्य फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है, उसके आगे आईएनजी लग जाने पर, ठीक है। जैसे लाफ का, लाफ के आगे आईएनजी लाफिंग हो जाए, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लग जाने पर वह जीरंड हो जाता है, और वह लाफ मीन्स हंसना, हंसना होता है, लेकिन लाफिंग मीन्स वह क्रिया ना रह करके, जब लाफ के आगे आईएनजी लग जा रहा है तो वह लाफिंग क्रिया ना होकर के वह एक नाउन का रूप धारण कर लेती है, और वह किसी वाक्य में प्रयोग होने पर एक नाउन की तरह, नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगती है। उसी तरह से जब किसी मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है, और इन्फिनिटिव किसी वाक्य में प्रयोग होने पर, जैसे कि, जैसा कि आप देख रहे हैं, टू एरर इज ह्यूमन, किसी वाक्य में प्रयोग होने पर वह वर्ब की तरह कार्य ना करके एक संज्ञा की तरह, एक नाउन की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और हमारा समर्थन कीजिए, और हमारा भी मार्गदर्शन आप कीजिए कि हम कहाँ त्रुटियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा से जो है सुधार करने के लिए या उन्नत करने के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए पक्षधर हैं, सीखने के पक्षधर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है, तो आपका लेवल मेंटेन रहेगा, आपका ज्ञान मेंटेन रहे, बना रहेगा। जहां आपको लगा कि आप बस सीख गए, बहुत हो गया, तो आप वहीं रुक जाएंगे, आप रुक ही नहीं जाएंगे। आप से जो पीछे हैं या आपके साथ हैं, वो सीखने का जो प्रयत्न कर रहे हैं लगातार, वो आपसे ऊपर उठ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और आप एक जगह ठहर करके, आपको लगे, आपके सोच से लगेगा कि आप एक जगह रुके हुए हैं, फिर भी आप और लोगों के द्वारा पीछे कर दिए जाएंगे। ये जो प्रतियोगिता का समय है, कंपिटिटिव टाइम आपका चल रहा है, इसमें आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लगातार सीखने का प्रयत्न करें, ठीक है। कुछ ना कुछ हर पल, हर दिन सीखें, एक एक पल से जो है आपका मिनट बनता है, मिनट से घंटा बनता है, घंटे से दिन, और दिन से आपका जीवन। ये जो समय जा रहा है, एक एक पल का, ये समय ही नहीं जा रहा है, आपका जीवन भी जा रहा है, ठीक है। तो अपने जीवन जो कि अमूल्य होता है, ठीक है, और अपने अमूल्य समयों का, समय का, जीवन का, दोनों का सदुपयोग करिए और पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये जो पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि इसमें आप धीरे धीरे निवेश करेंगे तो एक दिन उसका रिटर्न इतना अपरंपार आएगा, इतना भारी भरकम आपका रिटर्न लेकर के ये आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ कितना खुशी दे गया ये साइलेंटली आप तैयारी करेंगे और एक दिन धूम मचा देंगे, ठीक है। अगर आप रोज़ पर प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है, लगातार अगर लगे हैं, निरंतरता आपके तैयारी में है, पढ़ाई में है, तो ऐसा नहीं है कि आप रुक रुक जाएं, एक दिन पढ़ें, दो दिन ना पढ़ें, या चार दिन पढ़ करके फिर दो दिन आराम करने लगें, ऐसे नहीं। पढ़ाई हमेशा क्या है, निरंतरता मांगती है, बिना निरंतरता के आप नहीं पढ़ाई कर सकते, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, मेहनत करते रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। जब ऊर्जा रहेगी तभी आप मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।